सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वो लेटेस्ट वर्जन वाला है, आप इजीली डाउनलोड कर लें। उस पर आपको एग्जाम्पल फाइल, प्रीसेट फाइल इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइस आपको दो प्रोजेक्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, लिंक्स भी एंड प्रीसेट भी। तो आपको अगर आप एग्जाम्पल फाइल इंपोर्ट कर रहे हो तब भी आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे फिर भी देखने को मिल जाएगा अगर आप उसका एग्जाम्पल फाइल इंपोर्ट कर लेते हो तो, और अगर आप प्रीसेट फाइल इंपोर्ट करते हो तो आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे जो वेबसाइट का लिंक है उसके उस पर क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे वेबसाइट पे, देन आपको वहाँ पर क्लिक करना है, सेक इफेक्ट मिलेगा और एक बिटमार्क प्रोजेक्ट और वीडियोज़ मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर उनमें से दोनों ही प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है और इस प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना है और जैसे कि मैं कहा आपको, आपको बिटमार्क प्रोजेक्ट यानी कि जिस पे बिट है और ऑडियो है मिल जाएंगे इधर देखने को। अगर आप एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट कर रहे हो फिर भी देखने को मिलेगा, अगर आप प्रीसेट फाइल इंपोर्ट कर रहे हो फिर भी देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो आपका इफेक्ट्स प्रोजेक्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका बिटमार्क प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना है। उसे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। अगर आप एग्जाम्पल फाइल इंपोर्ट कर रहे हो तो फोटोशॉप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे एंड गाइस आपको ऑडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उन सबको इंपोर्ट कर लें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेस्ट फ्रेंड टैग सॉरी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट का आप फॉन्ट देख सकते हैं बल्ब फिक्सन इटैलिक, तो यानी कि आपको इस फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गाइज आपको देख सकते हैं काफ़ी सारे लेयर्स ऑलरेडी रहते हैं इस प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप इन फोटोशॉप को चेंज करना चाहते हो तो जस्ट क्लिक करना है फोटोज लेयर पे, कलर इन फील्ड पे जाना है, रिप्लेस पे जाना है, और आपको जो भी इमेजेस है उन इमेजेस सबको आपको यहाँ पर चूज़ करना है, जो भी रहे जैसा जिस टाइप का इमेजेस रहे। अगर आपको अगर दूसरा टाइप का इमेजेस है तो आप उन टाइप्स का इमेजेस सबको इम्पोर्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं ये वाला फ़ोटोज़ इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लूँगा। तो रेशियो इस सब का चेंज है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पर गाइस आप देखें ये फ़ोटो सब अपना रिप्लेस कर लें, तो अगर आप ये वाला इस देख सकते हैं ये वाला लेयर पर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करें, उसके बाद जो इमेज है सेम फ़ोटोज़ को आपको इस लेयर पर भी चेंज करना है, देन अगर इस लेयर पे चेंज करना चाहते हो तो चेंज करें, देन जो नेक्स्ट लेयर है इस पर भी आपको चेंज करना है उसी फ़ोटो को। तो इस तरह आप सोचो अपना फ़ोटोज़ इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर गाइज आपको ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एडिट टेक्स्ट पे जाना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेकली मैं गलत क्लिक कर दिया, और यहाँ पर व्यू ऑल फॉन्ट्स थ्री लाइन इम्पोर्ट फॉन्ट्स इम्पोर्ट कर लीजिएगा आप अपना फॉन्ट सबको एंड सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं इस तरह आपका हो चुका। अब आपको क्या करना है, इस तरह करने के बाद आपको यहाँ से जो पहला बिटमार्क आता है इस टाइम से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और अपना जितना सारा इमेजेस है आपको इंपोर्ट करना है। तो जैसे कि मेरे ये वाला है तो मैं इसे इंपोर्ट कर लिया, थ्री डॉट पर क्लिक करके फिर कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करें, नेक्स्ट बिटमार्क तक कट कर दें, देन इस बिटमार्क से नया फोटो को इंपोर्ट करना है, देन थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया, और थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसे और इस तरह सेट कर लेता हूँ और नेक्स्ट बिट मार्क पे कट कर देता हूँ। वरना आप इन एनिमी इमेजेस सबको इंपोर्ट करें देन अपना एक इमेज इंपोर्ट करें, फिर से आप इन एनिमी एक इमेज को इंपोर्ट करें फिर अपना एक इमेज को इंपोर्ट करें, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो या आप पूरा ही अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह आपको वन बाई वन फोटो सबको इंपोर्ट करना है और कट कर देना है नेक्स्ट बिट मार्क के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि मैं इसे इस तरह इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये बहुत अच्छा पिक मेरे को लग रहा है, उसके बाद ढेर सारा है तो इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आपको ठीक बिट मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोटोशॉप को इंपोर्ट कर लेना है। तो फोटोशॉप को इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। तो देख सकते हैं फोटोशॉप को इंपोर्ट कर चुके, अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है, जो आपका ये फ़ोटोज़ है ये फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है, देन अपना बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है,
और आपको कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर जो आपका इमेजेस आ रहे हैं उस इमेजेस सब पे इफेक्ट्स को पेस्ट करना है। जैसे कि इमेजेस आ रहा है आपको कितना टाइम पर, 5.40 सेकंड पर, तो उस इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। अब नेक्स्ट वाला इमेज पर भी आपको इसी तरह पेस्ट कर देना है, देन फिर से आपको नेक्स्ट वाला इमेज पर भी पेस्ट कर देना है। यानी कि आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पर जितना सारा इमेजेस है, आप अपना हर इमेजेस पे इस तरह वन बाय वन इफेक्ट सबको पेस्ट कर दीजिएगा। आपको जस्ट फोटोज़ पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। तो देख सकते हैं इन फोटोज़ पे हो चुका पेस्ट इफेक्ट सब। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर उसके बाद जो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और आपको एक वीडियो सॉरी एक फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है जो कि है ये वाला। देन ये फ़ोटो को आपको कितना दूर रखना है, इतना दूर 5.39 तक। एक्सटेंड का आइकन पे क्लिक करके मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब उस पर होल्ड करके इस तरह रखना है, इस आइकन पे क्लिक करके, और डाउन करना है, इस तरह डाउन करना है। यानी कि आपको जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर तक, यानी कि आप देख सकते हैं ये मेरा टेक्स्ट था और ये टेक्स्ट के नीचे पे मैं कर दिया, कितना दूर किया, जहाँ से मेरा फ़ोटोज स्टार्ट हो रहा है उतना दूर। अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, और यहाँ पर आपको फिर से सेक इफेक्ट पे दो लेयर मिलेंगे, तीन दोनों लेयर पे इस तरह होल्ड करना है, ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स करना है, देन बैक करके फिर से आपको उस वाला प्रोजेक्ट पे आ जाना है, देन ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है। तो देख सकते हैं आपका उसके बाद ये जो इतना भी है दोनों लेयर को एक्सटेंड कर लें वन बाई वन इस तरह। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और आपका वीडियोज़ भी बन के रेडी है। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।